सभी लोगों का रीयूनियन आईएएस में स्वागत है। आप सभी लोग जो है, आप लोगों को बीपीएससी का जो बीपीएससी में जो पॉलिटिकल साइंस है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो मैं आप लोगों को बताया भी था कि इसमें 12 प्रश्न आते हैं, एक ही पेपर होता है। 12 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न करना होता है। तो मैं बताया था कि ये जो बीपीएससी है, इसका जो सिलेबस है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो बताया था उस दिन कि सेक्शन फर्स्ट है और सेक्शन जो है सेकंड है। तो सेक्शन फर्स्ट में जो है पार्ट ए है और दूसरा जो है पार्ट बी है। और फिर मैं बताया था कि सेक्शन सेकंड में जो है पार्ट ए है और पार्ट बी है, दो सेक्शन है। तो यहां पर जो है आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आते हैं, 6 प्रश्न इसमें आता है, 3 प्रश्न इसमें करना होता है, 6 इसमें आते हैं, 3 इसमें करना होता है, इसी तरह इसमें भी है और इसी तरह इसमें भी है। तो टोटल आपको जो है 6 प्रश्न करना होता है। और देखिए, बीपीएससी में पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारी विषय वस्तु जो है, जो फर्स्ट पेपर है, जो ये आपका सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट में मैं बताया था कि दो चीजें आपको पढ़नी है। इसमें आप देखेंगे कि जो पार्ट ए है, उस पार्ट ए में कुछ थिंकर हैं, कुछ थ्योरी है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए सिलेबस तो पूरा पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बीपीएससी में जो है जो प्रश्न है, वो 6 प्रश्न जो लिखना है, उसमें आपको 4.5 पेज से लेकर 5 पेज तक लिखना चाहिए। मतलब लगभग 500 से लेकर 550 शब्द जो है, यदि 600 लिखिए तो ज्यादा बेटर है, 500 से 600 शब्द आपको लिखना है एक प्रश्न। कम से कम मतलब 5 पेज के आसपास आपको लिखना है। तो अब आपका इस रणनीति क्या होना चाहिए? रणनीति ये होना चाहिए कि जो सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को तो एक बार पढ़ना है। मैं भी आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ाया हूं, उस पर मैं बताया भी कि जो आईएएस का सिलेबस है उसमें जो है कुछ चीजें और जुड़ गई है बीपीएससी में, वो मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाकर दिया हूं। तो उसमें आप लोगों को ये अपनाना चाहिए कि जो पार्ट ए है, अब पार्ट ए में जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, जैसे लोकतंत्र है, न्याय है, अधिकार है, बार बार आता है। जैसे आप देखे होंगे कि विचारक में जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, मिल है, ग्रीन है, इस तरह के जो विचारक है वो बार बार आते हैं। जैसे उपागम है, अप्रोच है, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इस तरह की जो चीजें हैं वो बार बार आती हैं, या मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद, इस तरह की चीजें आती हैं। तो आपको क्या करना है कि पूरा सिलेबस तो पढ़ना है, उसके बाद जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, जहां से प्रश्न बार बार आ रहा है, उसको 5 साल का पेपर लेकर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। उस टॉपिक का अच्छे से हम लोग को जो है नोट्स बनाना है। नोट्स तो मेरे समझ से सबका बनाना चाहिए, लेकिन जो मुख्य मुख्य बार बार टॉपिक आ रहे हैं उसको अच्छा से नोट्स बनाना है, और उसको हम लोग को 4 से 5 पेज में नोट्स बनाना है, और उसको बार बार हम लोग को लिखना है। जैसे आप देखेंगे कि पार्ट बी है, अब पार्ट बी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मान लीजिए मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, न्यायपालिका है, केंद्रीय संबंध है, पंचायती व्यवस्था है, यह सब का उसमें भारतीय विचारक भी रखे गए हैं, जैसे गांधी जी हैं, अंबेडकर साहब हैं, अरविंद हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, वहां से प्रश्न बार बार आता है। यह सब का देखेंगे कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, वहां से प्रश्न आते हैं, या राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, इस तरह का जो टॉपिक लिखा गया है पार्ट बी में, वहां से प्रश्न आता है। जैसे मान लीजिए राजनीतिक दल पर दूरवर्जर है, चाहे माइकल्स है, इसके जो सिद्धांत है, वहां से प्रश्न आ जाता है कभी कभी। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे टॉपिक जो बार बार आते हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाना है और उसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना है। ये तो मान लीजिए सेक्शन फर्स्ट हो गया। अब सेक्शन सेकंड में देखेंगे कि वहां पर भी यही स्थिति है कि पार्ट ए में जो टॉपिक है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आते हैं। जैसे आप देखिए उपागम, अप्रोच, अप्रोच का मतलब जैसे रियलिस्टिक अप्रोच है, यथार्थवादी उपागम है, चाहे प्रणाली सिद्धांत है, सिस्टम अप्रोच है, इस तरह की जैसे मार्गेंथु,
बार बार प्रश्न आया होगा, तो आपको क्या करना है कि उसके 6 पेज में 5 पेज में उसका नोट्स बनाना है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। बकायदे भूमिका लिखना है, उसका विशेषता लिखना है, उसका विकास लिखना है, फिर उसका जो है उसके बाद उसका महत्व जो थ्योरी है उस थ्योरी को लिखना है, फिर उसका महत्व लिखना है, समस्या लिखना है, मूल्यांकन लिखना है। ये पूरा काम नोट्स में ही होगा, क्योंकि हम जब तक उसको 2-3 बार 4 बार लिख कर नहीं जाएंगे तब तक वहां पर जो है समयबद्ध तरीके से लिखा नहीं पाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए मैं बता रहा था, जैसे राष्ट्रीय हित का प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति है, शीत युद्ध है, शक्ति संतुलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, बार बार आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका है वो भी प्रश्न बार बार दिखाई देता है, सार्क है, आसियान है, जैसे एनपीटी है, सीटीबीटी है, भारत की परमाणु नीति है। तो ऐसे प्रश्नों को हमको क्या करना है कि उसका कायदे से प्रॉपर नोट्स बनाना है। इसी तरह से पार्ट बी में आप देखेंगे कि पार्ट बी में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे हिंद महासागर का क्वेश्चन देखिए हर 2-3 साल पर आ जाता है, या इसी प्रकार से देखते हैं पश्चिम एशिया, तो पश्चिम एशिया में क्या है कि जैसे मान लीजिए अरब इजराइल संघर्ष है, उसका कारण है, उसमें क्या क्या विवाद चल रहा है, क्या क्या उसमें समझौते हुए हैं, ये पूरा चीज लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए दक्षिण एशिया में संघर्ष है तो भारत पाकिस्तान के मध्य, या भारत बांग्लादेश के मध्य, या इसी प्रकार से भारत चीन के मध्य, ये सब पूरा। दक्षिण एशिया में चीन को नहीं रखा जाता है, पड़ोसी देश में, तो भी आपके सिलेबस में ही है। जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है, उसकी विदेश नीति है, तो प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, जैसे मैं लिखवा के बनवाया भी हूं आप लोगों को। ये इसी प्रकार से देखे होंगे यूएनओ का क्वेश्चन बार बार आता है, तो यूएनओ का प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए। यूएनओ में 3 तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे यूएनओ है, यूएनओ की कार्यप्रणाली है, यूएनओ की प्रासंगिकता है किन किस क्षेत्र में, या मान लीजिए प्रश्न कभी कभी सुरक्षा के संदर्भ में पूछता है, शांति अनुरक्षण के संदर्भ में पूछता है, तो उसका प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए, क्या क्या समस्या है, यूएनओ में किन सुधारों की आवश्यकता है, यूएनओ की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान समस्या क्या है, या यूएनएससी है तो यूएनएससी में क्या सुधार करना चाहिए, यूएनएससी में क्या सुधार हुआ है, या मान लीजिए भारत स्थायी संस्था की जो मांग करता है तो भारत का क्या तर्क है। इस तरह के जितने मुद्दे हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए। इसी प्रकार से मैं बताया कि जैसे मान लीजिए भारत अफ्रीका आप लोगों के सिलेबस में है, तो भारत अफ्रीका, तो भारत अफ्रीका से क्यों संबंध बनाना चाहता है, अफ्रीका भारत से क्यों संबंध बनाना चाहता है, किन किन क्षेत्रों में हमारा संबंध बना है, उसमें करंट का भी जो पोर्शन है उसको भी जोड़कर क्या क्या समस्या चल रही है, पूरा ब्यौरा लिखना चाहिए। जैसे भारत और पड़ोसी देश आप लोगों के सिलेबस में है, अब भारत पड़ोसी देश में जो है भारत पाकिस्तान है, जैसे भारत चीन है, भारत बांग्लादेश है, भारत नेपाल है। अब मान लीजिए मोदी साहब की यात्रा नेपाल हुई, अभी देखे होंगे इस महीने, तो मोदी साहब की यात्रा जब नेपाल हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि अगली बार जब मेंस होगा तो इसका प्रश्न आएगा। हमको पहले ही तैयार करके रखना है कि भारत नेपाल के मध्य जो है वह किस तरह से संबंध विकसित हुआ है, कौन कौन सी संधि हुई है, किन किन क्षेत्रों में हमारा संबंध बना है, किन किन क्षेत्रों में समस्या दिखाई दे रही है, चीन का क्या प्रभाव है, भारत नेपाल संबंधों में चीन का क्या प्रभाव है, ये पूरा आपका तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं बताया कि जैसे मान लीजिए आर्थिक कूटनीति है, वो भी आपके सिलेबस में है, तो आर्थिक कूटनीति पर भी कभी फुल क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हमको तैयार करके रखना है। तो ये तो मैं बताया कि इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए कुछ मैं बताता हूं। जैसे मैं बताया, पहला चीज आप लोगों को मैं बता रहा था कि सिलेबस तो पूरा पढ़िए, क्योंकि कभी प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए। जैसे पैटर्न अभी तो ये है कि हमको 12 प्रश्न आता है, 12 में 6 करना है, पार्ट ए में 6 प्रश्न आता है उसमें 3 करना है, इसमें भी 6 आता है 3 करना है, कभी क्या करेगा कि पार्ट ए में जो है ए बी सी कर देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ए बी सी कर देगा, तो ए बी सी कर देगा, तो मान लीजिए ए प्रश्न कुछ पूछ रहा है, मान लीजिए गांधी जी का क्वेश्चन पूछा, बी अम्बेडकर साहब का क्वेश्चन पूछा, सी थ्योरी का पूछा, तो कोई पोर्शन छोड़ के जाएंगे तो समस्या आ सकती है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस तो वही रहेगा लेकिन पैटर्न कुछ चेंज हो सकता है, 12 में 6 प्रश्न ही करना होगा लेकिन 1 प्रश्न में 2 प्रश्न बना सकता है, 3 प्रश्न बना सकता है, जिसे पहले आता था, आज के 4 साल पहले बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न आते थे। तो पहला चीज है कि हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है जो बार बार आता है उसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सब प्रश्न तो लिखना है नहीं भाई, 12 में 6 प्रश्न लिखना है तो पढ़ना सब है,
क्योंकि कभी पैटर्न चेंज करे तो समस्या ना आने पाए। दूसरा पहलू जैसा समझिएगा, दूसरा पक्ष हम लोग को यह ध्यान रखना है कि हर प्रश्न में हम लोग को जो है लगभग 5 पेज 5.5 पेज के आसपास लिखना है अभी जो पैटर्न है। तो जब तक आप बार बार नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है समय सीमा के भीतर आप लिख नहीं पाएंगे। मैं बताया कि मैं आप लोगों को जो है उसमें टेस्ट पेपर भी बनाकर फोल्डर में भेजा हूं, तो टेस्ट पेपर बनाकर जो भेजा हूं उस टेस्ट पेपर से आप लोग बार बार लिखिए। आप संस्थान में भी भेज सकते हैं, मैं चेक करके उसको भेज भी दूंगा। तीसरा जो पक्ष है, ध्यान देने वाली बात है कि आप जो है जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता जैसे बार बार आता है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या स्वरूप है, उसकी क्या विशेषता है, उसको पॉइंट में लिखिए। उसका कैसे विकास हुआ, उसकी क्या प्रासंगिकता है, तो प्रासंगिकता में वर्तमान भी लिखना है और कुछ पुराना वाला भी लिखना है। जैसे 1990 के बाद प्रासंगिकता पूछता है, तो 1990 के बाद जो है यूनिपोलर सिस्टम था, अमेरिकी प्रभुत्व चल रहा था, तो उसमें भी प्रासंगिकता लिखना है। अब मान लीजिए यूक्रेन संकट चल रहा है, तो उस संदर्भ में जो है नाम की क्या प्रासंगिकता है, उत्तरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, वो भी आपको लिखना चाहिए। तो हमको 1990 के बाद के घटनाक्रम को भी लिखना है और वर्तमान को भी जोड़ने का प्रयास करना है। उसी तरह से समस्या है, तो समस्या कुछ परंपरागत समस्या रही है उसको भी लिखना है, कुछ वर्तमान समस्या रही है उसको भी लिखना है, मूल्यांकन में हमको सुझाव लिखना है। तो ये काम हमको तैयार करके रखना है। और चौथा पक्ष इसमें यह है कि जैसे मैं बताया कि आप महत्व लिखते हैं, तो हर चीज में 5 महत्व 6 महत्व कम से कम आपको नोट्स में तैयार करके रखना है, जिससे जो है चीजें आपस में रिपीट ना होने पाए, ज्यादा पक्षों को कम शब्द में हम लिख पाए। अब पॉइंट में लिखे रहेंगे तो उसमें एग्जामिनर को भी सुविधा रहेगा, आपको लिखने में भी आसानी होगी, दोहराव भी नहीं होगा। और फिर पांचवा पक्ष यह है इसमें कि जैसे आईजीपी है, आईआर है, इंडिया एंड वर्ल्ड है, तो उसमें जो है आप जब नोट्स बना लेंगे तो नोट्स बनाते समय हमेशा ही ध्यान रखिए कि जैसे आपका ये पेज है तो आप पेज में अपने जो है साइड में इतना जगह छोड़ के रखिए, आप इसी में नोट्स केवल बनाइए, ये साइड में जगह छोड़ के रखिए। क्यों? क्योंकि आईजीपी में कोई चीज नया जुड़ता है, मान लीजिए इंडिया एंड वर्ल्ड में कोई नया चीज जुड़ता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहां पर जो है अपना करंट वाला पोर्शन जोड़ देंगे, फिर यहां पर कुछ है तो यहां पर करंट वाला पोर्शन जोड़ देंगे, तो आपको अपडेट भी करते रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोट्स में जुड़ा रहेगा तो जब आप रिवीजन करेंगे तो वो रिवीजन आपके काम भी आएगा। आप मान लीजिए पेपर पत्रिका पढ़ते हैं, कुछ आपको मिलता है गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में, कोई समस्या आपको दिखाई देती है, कुछ महत्व दिखाई देता है, तो आप अपने नोट्स को समृद्ध करते रहिए। और फिर मैं बताया था कि आप लोग जो है सबसे पहला काम करिए कि आप मोबीशाला पर जाइए, mobishala.com जो है ऐप जो है उस पर जाइए और उस पर मोबीशाला ऐप को डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद जो हम लोग का कोड है, इंस्टीट्यूट कोड है REUN1659, इस कोड को आप उसमें फिट करिए। और फिर उसमें जो डेमो क्लास है उसमें फोन नंबर भी लिखा हुआ है, आप फोन भी करके जो है पता कर सकते हैं। और पहले डेमो क्लास देखिए, पहले समझिए, उसके बाद और हम लोग क्या करते हैं कि पूरा आपका जो नोट्स है वो पूरा नोट्स कोरियर के माध्यम से भेजते हैं। फिर आपका पेनड्राइव कोर्स भी जाता है, उसी में पेनड्राइव भी रहेगा, जिसको आप जो है 1 साल की वैलिडिटी है, आप 1 साल में 3 बार उसको देख सकते हैं। नोट्स है तो नोट्स में जो है मॉडल आंसर भी मैंने बना रखा है, प्रॉपर नोट्स जो बना है उसके साथ एक मॉडल आंसर है, एक क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं, चाहे आईएएस में आए हैं, चाहे यूपीपीसीएस में आए, चाहे बीपीएससी में आया है, सब प्रश्न उस पर लिखा है। तो प्रश्न को देखिए कि किस तरह का प्रश्न आता है। फिर एक फोल्डर उसमें बना होगा क्वेश्चन पेपर का, तो उस क्वेश्चन पेपर का फोल्डर जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उस पर कुछ प्रश्न मैंने बनाकर दिया है, उस प्रश्न को लिखिए, लिखकर उसको भेजिए, फिर मैं उसको चेक करके आपको भेजूंगा। और फिर आप लोग जो है सबसे बड़ी बात है कि आपको ज्यादा किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सब प्रॉपर नोट्स बना दिया है। क्योंकि कोई आप किताब खरीदेंगे तो हर टॉपिक तो उसमें मिलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि कोई आप किताब खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम एग्जाम में नहीं लिखते हैं, समझने के लिए होती हैं। तो हम लोग क्लास में जो है उसको क्या करते हैं, समझा देते हैं, और फिर नोट्स में मैं आप लोगों को बोल बोल कर नोट्स बनवाता भी हूं, लेकिन नोट्स इसलिए भेजा जाता है कि हमने यदि 6 आलोचना लिखवाया तो 2 आलोचना आप उसमें से भी लिख लें। इस तरह से आप लोग जो है एक बार मोबिशाला ऐप को डाउनलोड करके उसको डेमो देखिए, और देखने के बाद जो है जैसा हो आप फोन करके जो है पूछताछ कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।